प्रयोग समारी कर। छह डाला जी ग्रंथ, तीसरी डाल का छंद नंबर 3। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंदरु संवर जानो, निर्जर मोख कहे जिन तिन को ज्यो का त्यो सर धानो। इन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विशेष आनो। जिनेन्द्र देव ने जीव अजीव आश्रय बंद संव निर्जरा और मोक्ष 7 तत्व कहे हैं। उन सब की यथावत यथार्थ रूप से श्रद्धा करो। देखो मूल शब्द का लिखा है ज्यों का त्यों, जैसा उनका स्वरूप जिनवाणी में कहा है बराबर वैसा का वैसा श्रद्धान करो। जीव का जीव पने, अजीव का अजीव पने। एक चीज, मैं जीव हूँ तो अपना मैं जीव हूँ ऐसा, और शरीर आदि अजीव है ऐसा। थोड़ा सा अंतर पड़ा, थोड़ा अंतर पड़ा। जीव का जीव पने, अजीव का अजीव पने, ये सामान्य हो गया। लेकिन मैं जीव हूँ और शरीर अजीव है ऐसा श्रद्धान करो। समझ आया? ऐसा संयुक्त क्या भेद विज्ञान हुआ भैया? जो ज्ञान स्वभावी है वो जीव है? नहीं, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ इसलिए मैं जीव हूँ, और शरीर जड़ स्वरूपी है इसलिए शरीर मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये अजीव है और मैं जीव हूँ, तो मैं काला गोरा नहीं हूँ। देखो अपन दो में से घटाएं, जीव और अजीव का सही ज्ञान नहीं होता, मैं जीव हूँ अजीव नहीं हूँ ऐसा सही ज्ञान नहीं होता, तब आश्रय बंध उत्पन्न होते हैं। क्या कहा? दो बातें बोली कल, चर्चा पूरी अलग थी, आज अलग तरह से। जीव और अजीव का सही ज्ञान नहीं होना नंबर 1, और मैं जीव हूँ मैं अजीव नहीं हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होना, ये आश्रय और बंद तत्व है। कहाँ से जन्मे आश्रय बंद? जीव और अजीव के स्वरूप को न जानने से नंबर 1, और मैं जीव हूँ शरीर अजीव ऐसा न जानने से क्या जन्मा? आश्रय और बंध। आश्रय बंध अर्थात अज्ञान उत्पन्न हुआ, मिथ्यात्व उत्पन्न हुआ, फिर कसाय उत्पन्न हुई। समझ में आया? देखो मैं जीव हूँ और मैं काला गोरा जीव हूँ, यहाँ से अज्ञान मिथ्यात्व और कसाय जन्मती हैं। दूसरा, मैं जीव हूँ और मैं 25 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, जन्माऊँ मर जाऊंगा, क्या हुआ? मैं जीव हूँ, मैं जन्मा हूँ, अभी 40 साल का हूँ, 70 का हूँ, और कुछ दिन मैं मर जाऊंगा, क्या हुआ? ये अज्ञान, फिर ऐसे ही मिथ्या मान्यता, और मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, ये कसाय भाई। ये आश्रय बंध कहाँ से आया? जीव और अजीव के स्वरूप को न जानने से। जीव जन्मा की अजीव जन्मा? कोई नहीं जन्मा। जीव मरेगा कि अजीव मरेगा? कोई नहीं मरेगा। नहीं मरेंगे।
लेकिन जरा सी बीमारी हुई, कुछ प्रसंग विपरीत बना, तो लगता ऐसा ही है और भय ऐसा होता है कि मैं अब नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा, अब ये नहीं बचेंगे। सुनो, अजीब तो पूरा का पूरा बचेगा और जीव भी चला जाएगा, मरेगा नहीं, तो मरेंगे तो दोनों ही नहीं, मरेंगे तो दोनों ही नहीं। लेकिन हम स्वाध्यायी हैं और हमें जिनवाणी से भी प्लस वर्तमान में जो हम पढ़ सुन रहे उससे लगता है कि नहीं, आत्मा नहीं मरेगा, लेकिन सुनना नहीं मरेगा, इसमें भी यथार्थ तत्व निर्णय ना हो और वास्तविक निर्भयता ना हो या सम्यक दर्शन प्रकट ना हुआ हो, तो वो कहना नहीं मरेगा, लेकिन अंदर में यही है कि मर जाऊंगा। बस समझ भाई, मैं ही बीमार हूं। कौन बीमार है? मैं ही बीमार हूं। मैं बीमार नहीं हूं, आत्मा बीमार नहीं होता, ये बोलना, ये बोलना, लेकिन वास्तव में लगना कि मैं बीमार नहीं हूं, दोनों में अंतर है, अंतर है। अब ये नहीं लगना वो धर्म है, और मैं बीमार हूं ऐसा नहीं बोल रहा वो, मैं बीमार हूं ऐसा वो नहीं बोल रहा, बोल क्या रहा है, शरीर बीमार है, शरीर में रोग है, लेकिन वो बोलना धर्म नहीं है। बोलने पूर्वक आपके ज्ञान में विश्वास में ये चीज हो, अच्छा इसके साथ भी भय हो सकता है, रोग का प्रतिकार इलाज कसाय हो सकती है, वो अलग चीज है, लेकिन एक निर्णय अलग चीज है, निर्णय अलग चीज है, भले ही सम्यक दर्शन नहीं है। जैसे आज सुबह की चर्चा लो, पहले गुणस्थान में अपन ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चार अंग लिए थे आज, तो ये चीज होना ये जीत है, भले ही सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन इनमें ही दिक्कत होगी तो नहीं होगा। देखो जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया उन्हें तो सिले लग गई, उनकी तो कोई बात है ही नहीं है, लेकिन अपने साथ दिक्कत है। अपने साथ क्या दिक्कत है कि अभी मिथ्यात्व है, लेकिन मिथ्यात्व और अज्ञान दशा में ही मुझे रोग नहीं है। बोलो चाहे मत बोलो, क्या कहा, बोलो चाहे मत बोलो, तुम खूब बोलो मुझे रोग है, लेकिन अंदर में आपका निर्णय है कि मुझे रोग नहीं है, तो आप पास हो। क्या कहा, वो तो इसलिए कह रहे हैं कि जब तक निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई तब तक आगम कहेगा हम पहला गुण स्थान है, लेकिन हम अपने को मिथ्या दृष्टि नहीं समझ रहे, हम अपने को ज्ञायक समझ रहे हैं, तो वो आपके निर्णय तो बोल रहे हैं, अपन निर्णय है ये, तो निर्णय पूर्वक निशंकता है तो आप सही मार्ग पर हो। क्या कहा, अब आपका कुछ बोलना हो और दुनिया का कुछ बोलना हो इससे कोई मतलब नहीं है, बराबर, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एक दृष्टांत दे रहे हैं, दृष्टांत है, डॉक्टर है, ये मीटर है, ब्लड में शुगर है, तो मीटर बोल रहा है कि आपकी शुगर 300 है। अब आपको मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है वो अलग चीज है, लेकिन शुगर तो क्योंकि वो डॉक्टर है, वो मीटर बोल रहा है, एक चीज है ना, वो तो बोल रहा है। अब भले ही आपको अच्छा लग रहा है, आपको हमें कुछ फीलिंग नहीं हो रही, फीलिंग नहीं हो रही वो अलग चीज है, लेकिन ऐसे ही करणानि योग वो मीटर है, वो बोल रहा है दर्शन वो अनंतानुबंधी का उदय है, इसका मतलब मिथ्यात्व तो है, पहला गुण स्थान तो है, एक चीज। अब हमें उस मिथ्यात्व का, शरीर का, खाने का, रोग का एकत्व कर्तृत्व निर्णय पूर्वक नहीं है, ये अलग चीज है, और वो जो मिथ्यात्व है ना वो मिटेगा भी इससे, किससे मिटेगा, इसी से मिटेगा, लेकिन अभी तो है कि नहीं, ये कहना।
यहाँ तो कुछ दूसरी बात बताना है। जीव और अजीव की चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है? जीव अजीव की। दो पार्टी है, उनमें हम कौन सी पार्टी है? जीव पार्टी। तो जीव जन्मता है, जीव का अलग गोरा होता है, जीव के पत्नी बच्चे रिश्ते होते हैं, जीव का भजन होता है, और जीव मोहराग देश करता है। जीव अकेले की बात चल रही ना अभी। जीव तो मात्र ज्ञात तत्व है, जानने वाली वस्तु है। लक्षण से कहे मात्र ज्ञात अवस्था है, अमूर्त एक है, अकर्ता भोक्ता तत्व है। तो ऐसा जिसे ज्ञान है और मस्ती है, तो आप सही लाइन पर हो। अब दुनिया कहे साहब लेकिन तो खा रहे पी रहे भोगों में, और काय के मुमुक्षु हैं, और काजू किशमिश भी मतलब सब खा रहे हैं और मुमुक्षु हैं, हम खाते नहीं है। अब दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आपका निर्णय ये आपको सम्यक दर्शन लेके आएगा, मोक्ष लेके आएगा। सुनना इधर, सनत कुमार चक्रवर्ती है, रामचंद्र जी आदि मुनिराज है, पांच पांडव हैं, देखना भी स्थिति। सब कुछ करो, आज का काल है, हम सब लोग हैं, और उन्हें रोग हुआ, कोढ़ हुआ, आग लग रही है, उपसर्ग हो रहे हैं, तो अपन क्या कहेंगे? ये मुनिराज हैं, पाप निकल रहे हैं। वो लोग कहोगे कि नहीं कहोगे? अरे हाना तो करो, अरे बोलो तो, रोटी खावे नहीं मिल रही। आदिनाथ मुनिराज 7 महीने दिन हो गए, आहार नहीं मिल रहे। नहीं जी जी, मुनिराज है। सुनना ध्यान से क्या कहना है। अब उदय कुछ भी हो, लेकिन वो मुनिराज है कि नहीं, तुमसे पूछ के होंगे, तुम्हारा सर्टिफिकेट चलेगा। अरे उनको आत्मा का आश्रय, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है, उनका आनंद है। दुनिया तो आंखों से देखेगी, यही कहेगी सारे पाप निकल रहे। लोक में अपन अभी भी बोलते नहीं बोलते कि बहुत धर्मात्मंद है, देखो छापे पड़ गए, देखो पुलिस ले गई, देखो रोग हो रहे, देखो घर में बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ऐसे 85 आती कि नहीं आती। अब लेकिन वो व्यक्ति का जो तत्व ज्ञान तत्व निर्णय है वो एक्यूरेट है, तो वो दुनिया के हिसाब से होगा कि वो अपने निर्णय के हिसाब से होगा, उसे निश्चिंता है अंदर में निर्णय पूर्वक। ठीक है, लोग बोल रहे हैं, उदय है, परिस्थिति है, घटना घटी है, तो लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। लेकिन आपका ज्ञान, आपका श्रद्धा और आपकी निश्चिंता निर्भयता, वो आपका सही मार्ग है, वो आपके काम की चीज है, कि दुनिया का कहना आपको रोकेगा। बोलो आप, कौन रोकेगा? वो तो नहीं करेगा कुछ भी। बात समझ में आ रही है? इसलिए धर्म एकदम व्यक्तिगत चीज है, अपने तत्व निर्णय की चीज है, ये भीड़ की चीज नहीं है, समाजवादी चीज नहीं है। समाज में समूह में रहकर तत्व का अभ्यास तो होता है, स्वाध्याय तो होता है, लेकिन ये वास्तव में धर्म का मार्ग वो व्यक्ति। देखो पर इतने लोग बैठे अभी, समझ लो 30 लोग बैठे हैं मान लो, और पूरी चर्चा चल रही है, लगातार लगातार चर्चा चल रही है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना। क्या समूह में बैठने से, सबका बोलने से, अच्छे से चर्चा होने से सबका निर्णय एक ही होगा, एक जैसा होगा, एक क्वालिटी का होगा? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कोई बहुत अच्छे से बोल रहा है, जवाब दे रहा है, और बहुत अच्छी बुद्धि है, तो इसका निर्णय सही है, ऐसा भी कुछ है क्या? अरे जो बोल नहीं पा रहा, मौसा जी बिल्कुल मत घबराना, हमारी वार्ता में बिल्कुल मत आना, हमारे होते नहीं अपने ज्ञान से, क्योंकि हम तो बोलेंगे स्वाध्याय करो, बता नहीं पा रहे, प्ले ग्रुप वाले हो अच्छे से बताओ, तो हम तो बोलेंगे। लेकिन आपका जो भाव भाषण है कि मैं गायक हूँ, सुरक्षित हूँ, सुबह की कार थी, लुड़के पुड़के कुछ भी हो, सुबह की थी कि नहीं? द्रव अनंत गुण प्रदेश और ज्ञान स्वभाव, आज सुबह अर्थ किया था ना, प्रत्येक पर्याय में वो तो चैतन्य चमत्कार सुरक्षित है। आज सुबह की लाइन थी कलश की, एक साथ बोलो क्या लाइन थी? मानव
डायरेक्ट बोल दो, प्रत्येक पर्याय में वस्तु चेतन चमत्कार एक रूप उद्योतमान है, ये लाइन थी। प्रत्येक पर्याय में एवरी कंडीशन एवरीवेयर एवरी टाइम वस्तु कैसी है और वस्तु में कितनी चीज है, चार, जीव द्रव अनंत गुण असंख्यात प्रदेश ज्ञान स्वभाव। पिछली पर्याय में क्या हुआ, इस पर्याय में क्या हुआ, तो एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं लेकिन कार कैसी है, आज कहाँ का गिराई थी अपन ने वो, अरे बोलो तो, खाई में गिरी, पहाड़ पे चढ़ गई, दुचली बन गई, ठंड में गई, गर्मी में गई, कार का कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही बम विस्फोट हुए कसाई के, नौवे ग्रेवक की हिमालय की शिखर पे चढ़ गई, कौन की कार, पर्याय बदली ना, मनुष्य की, त्रियंश की, ढोर की, बेस्या की पिछली पर्याय, अभी परिणाम बदले, हिंसा के, झूठ के, शादी ब्याह, राग रंग कसाय नहीं हुए, सब दर्शन पूजन पाठ सारी पर्याय हुई, लेकिन वस्तु का क्या हुआ, मेरा क्या हुआ। पर ऐसे निर्णय पूर्वक ज्ञान शांत है, निश्चिंत है, निर्भय है, किसी भी क्रिया परिणाम से गिलानी, कौन सा अंग, निर्विचिकित्स अंग है, कौन से गुण स्थान में, ये सिद्ध किया था, निसंग कौन से गुण स्थान में, निशंकित अंग, निर्विकल्प अनुभूति नहीं है, लेकिन ज्ञान वाली अनुभूति तो है, सही ज्ञान नहीं तो वो ज्ञान कहलाता है, अनुभूति का मतलब पता नहीं, देखो क्या क्या ज्ञानमयी वस्तु कभी ज्ञान से रहित है, उद्योतमान लिखा था समय, एक बात। दूसरी बात, क्या जानने की पर्याय से वस्तु कभी रहित है, क्या उपयोग लक्षण से वस्तु कभी रहित है, लिख लेना, चाहे निबोधीय जीव हो, चाहे एकेंद्री हो, चाहे हम हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे अरंत सिद्ध हो, सदा काल तीनों चीजें हैं। क्या कहा, क्या कहा, सिर्फ ज्ञान में बता रहे हैं अभी, सदा काल तीनों चीजें हैं। कौन सी तीन चीजें, इधर देखो, निबोधिया छद्मस्थ जीव, कोई भी जीव हो, जीव द्रव है कि नहीं, ज्ञान स्वभाव ही, उपयोग लक्षण सदा काल है कि नहीं, ये दो तो हर जीव में सदा है, सिद्धों में भी, अनंत में भी, मुनिदशा में भी, सोते भी, रोते भी, खाते भी, कब नहीं है। अब देखो, अपन अभी जीव है तो मति शुद्ध ज्ञान है कि नहीं, निगोद में मति शुद्ध ज्ञान है कि नहीं, बोलते जाओ, दो इंद्री में है कि नहीं, विग्रह गति में है कि नहीं, आतंकवादी की अवस्था में मति शुद्ध ज्ञान है कि नहीं, सदा काल है। अब केवल ज्ञान हो गया तो मति शुद्ध ज्ञान नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान है कि नहीं, तो विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान और ज्ञायक, ये तीनों कम नहीं है। बात समझ आई, सदा है। तीन चीज कौन कौन सी, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव और विशेष बरतता हुआ ज्ञान। अपना भी मति श्रुत ज्ञान है, उसमें अज्ञान नाम है, भेद विज्ञान हो गया तो वो सम्यक ज्ञान नाम पाता है, बारहवें गुण स्थान तक चलता है। कल तो स्पेशल चर्चा थी सारी इसकी संबंध निर्जरा तत्व में, बहुत स्पेशल चर्चा थी पूरी, बारहवें गुण स्थान तक का जो ज्ञान है वो छद्मस्थ अवस्था का भी लेकिन ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। बराबर, तेरहवें गुण स्थान में यही ज्ञान क्या कहलाता है, केवल ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान में भी ये ज्ञायक कैसा जाना जा रहा है, जैसा है वैसा जाना जा रहा है, और लोकल लोग जैसे थे वैसे जाने जा रहे हैं, तो केवल ज्ञान में फर्क क्या पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। हम अभी जिनवाणी से जान रहे हैं, क्षेत्र है, केवल ज्ञान में ऐसे क्षेत्र दिख रहे हैं, लेकिन बात तो सात हो नहीं गए, पांच हो नहीं गए। समझ में आया, जैसे अपने को माइक दिख रहा है, अब केवल ज्ञानी परमात्मा को इसका एक एक पुद्गल परमाणु भी दिख रहा है और ये माइक भी दिख रहा है, लेकिन आगम से हम भी देख रहे हैं कि इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है, फर्क क्या पड़ रहा है,
केवल ज्ञान से ये भी भिन्न है और मेरे मति शुद्ध ज्ञान से भी ये भिन्न है, है तो भिन्न नहीं। अंबानी के पास 10,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, वे भी दो रोटी खा रहे हैं, हमारे पास 50,50,000 है, हम भी दो रोटी खा रहे हैं, फर्क कुछ है? कुछ नहीं पड़ रहा, न वे पैसा खा रहे न हम पैसा खा रहे। सुनो, उनका 28 मंजिल का मकान है और हमारा 1 मंजिल का मकान है, तो वे भी एक कमरे में रह रहे हैं और हम भी, फर्क क्या पड़ रहा है बता दो आप। अरे एक कमरे में नहीं रह रहे, जितने बड़े स्टूल पे आप बैठे हो उतने ही बड़े स्टूल पे, अबे थोड़े मोटी कमर के हो, मोटे हो तो थोड़े ज्यादा जगह, बाकी फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा। तुम ज्यादा मोटे हो जाओ तो उनसे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ना, कुछ फर्क नहीं पड़ना। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी कहा है, नरेंद्र मोदी भाई हाड़ मास है, अभी यार चुनाव हार रहे हैं तो मनमोहन सिंह जैसे मारुति में घूमते रहेंगे, उनके उनके पास तो मारुति भी नहीं है, उनपे तो है 10 साल पुरानी, मनमोहन सिंह के पास इनपे तो बावी नहीं है, तो बोलेंगे संजय भाई साहब ले चलो जरा, इंजीनियर साहब जरा वहां तक छोड़ देना, कौन भाई नरेंद्र मोदी या बोले, सबकी स्थिति ऐसी नहीं है, है क्या? वो भी बता रहे थे इंटरव्यू में, सालों साल चंडीगढ़ गए प्रचार करने, पुराने जमाने में गैरेज में रुके 2.5 साल, कहां पर? गैरेज में एक व्यक्ति के पड़े नरेंद्र मोदी मुकेश भाई साहब गैरेज में, और बोले मैंने सालों, तो सालों नहीं 15-25-40 साल दूसरों के घरों में जाकर भोजन किया है, जो मिल गया ऐसे ही अक्कड़ जिंदगी निकली है। अब कहा है नरेंद्र मोदी, बोलो क्या है? सामान नहीं है, कुछ नहीं है। अरे क्या कहे, इनकी आत्मा अंदर से रोती है, बताए कैसे रोती है, हम बता रहे कैसे रोती है, पहले दृष्टांत बता दे रहे सिद्धांत वाला, बोलो हम नाम नहीं ले रहे, सब अपने अपने तरफ उंगली उठा लेना, बोलो आपके बच्चे बहुए पति पत्नी आपकी दर्शन पूजन पाठ स्वाध्याय के लिए अच्छी चीजों के लिए कितना सुन रहे हैं, प्रकाश चाचा जी बता दो, अब हमने नाम ले लिया, बोलो घर के लिए खान पान में कितना सुन रहे हैं, तो आत्मा तो कष्ट में, कमल चाचा जी बोलो लड़के लड़की है कितना सुन रहे हैं, है अब भिन्न हो रहे भगोगे इंदौर और लखनऊ और सूरत कहाँ कहाँ है वहाँ पे, अब भिन्न हो गए, हम कहेंगे जाओ सिविर है भाई साहब है यहाँ पे, नहीं वो लड़की की लड़की, लड़के का लड़का हुआ, लड़की की लड़की हुई, वो दमान देखने जाना, उन्हें खांसी चल गई, अब फिर अभिन्न हो जाएंगे दादाजी, बड़े छोटे भिन्न की अभिन्न, आज आज आ ही जाओ खुल के सब, बड़े छोटे दादाजी भिन्न की अभिन्न। अच्छा ऐसा करो, आपके खाते का आपके जितने आपके नाम हो वो हमारे नाम करो, वैसे ही उनसे बोल के, अभी यार ना पीछे पीछे आए तो कह देना आप, तब वे भी आपसे अभिन्न हो जाएंगे, तो आप करो तो कछु हमारे नाम। क्या कहना है, हमें ये बोलना है जैसे आपके बच्चे बहुओं पर आपकी 1% नहीं चल रही, ऐसे ही मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो 90% अफसर जो चीजें हैं और योजना है कुछ भी नहीं चलती, ये कहना है आपसे, जो बनाते हैं कहते नहीं नहीं उनका मन है हम ऐसी योजना बनाए ऐसा पहुंचे, पैसा भी आए रहा ना आपके टैक्स का, लेकिन वो 90% काम होते ही नहीं है, उनका दोष नहीं है, सुनना उनका दोष नहीं है, आपके पाप कर्म का उदय है, उनने तो दिया है 10 करोड़ की सड़क बनेगी, लेकिन उसमें से 5 करोड़ तो पहले से ही बे नहीं ले रहे तो भी बट रहे हैं वे, है क्यों है ऐसा, सड़क की अपनी योग्यता है और जो चलने वाले हैं उस मोहल्ले वाले उनकी अपना उदय है, नहीं हो सकता ये बताना है, कोई हो
एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनने पैसे भेजे स्वच्छता आंदोलन, एग्जाम्पल दे रहे, एक विदिशा में 1 करोड़ रुपए एक साल के लिए भेजी, ठीक है। उनने कहा ये 20 गाड़ी 20 आदमी और घर घर से कचरा उठाएंगे। अब उनने जो पैसा दिया तो वे क्या कर रहे हैं, उनने पेट्रोल डलवाया कितने का, 100 का, और बिल बनाया 400 का, तो 300 कहां चले गए एक एक गाड़ी में। ये ऐसा होता है, बात समझ में आ रही, कुछ नहीं हो रही, ये ऐसा होता है हर जगह हर चीज में। तो पैसे कितने आए थे, 1 करोड़, उसमें से 50 लाख तो अब हमें बोल लें दो, हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये पैसा जा रहा है कितना क्या होगा, यदि पूरा काम हो, सही बता रहे, सरकार जो पैसा खर्च करती है यदि पूरा खर्च हो तो 5 साल में तो देश का कायाकल्प हो जाए। लेकिन अफसरों की जो अपनी है, काम करने वालों की सब चीजें सुनी नहीं जाती, इसलिए उनकी आत्मा दुखी रहती है, ये बताना थे। ये जैसे अपन लोगों की भी घरों में रहती है, नहीं रहती, मंदिर के अध्यक्ष तो चाह रहे ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा, लेकिन नहीं होता। अपन तो चाह रहे ऐसी सभा हो, ऐसी पाठशाला चले, कितने साल से कहाँ चल पा रही है, तो अपनी आत्मा तो आखिर बेचारी दुखी रहती है, जो है सो है, उदय सारी चीजें कहां से चली, कहां से चल रही थी, जीव और अजीव तत्व, तत्व कितने हैं और हम उनमें कौन से तत्व है, शरीर कौन सा तत्व है, जो 50 किलो वजन है कौन सा तत्व है, जो काला कोरा मोटा दुबला हो रहा है कौन सा तत्व है, जो खून ब्लड प्रेशर बढ़ गई घट गई जो कुछ है कौन सा तत्व है, जो बीपी सोडियम कैल्शियम क्या क्या है जो कुछ भी, जो पोटेशियम यूरिया ये घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, ये बीमारी है थायराइड जो जो भी है जो कुछ भी, ये कौन से तत्व की है, लेकिन लग कौन की रही है, यदि अपनी लग रही है तो आश्रय बंद भरपूर है, और अपनी नहीं लग रही तो आश्रय बंद होने पर भी उनमें कमी आ रही है, कौन से गुण स्थान से ये बताना, बात समझ में आई, चार तत्व समझ में आए, क्या चार तत्व समझ में आए, जीव ने अपने को जीव नहीं जाना अजीव जाना तो आश्रय बंद की खेती लहला रही है अनादिकाल से ही और अभी भी, और जीव ने जीव जाना अजीव नहीं जाना तो आश्रय बंद की खेती क्या हो रही है, सूख रही है, कौन सा गुणस्थान, इतनी अपने अभी तक चर्चा की है, टेक्निक समझ में आई, आश्रय बंद की चर्चा अलग से नहीं की, जीव अजीव से ही आश्रय बंद निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, जीव अजीव का बराबर भेद विज्ञान नहीं है तो कौन से तत्व आश्रय बंद, और जीव अजीव का सही ज्ञान है तो कौन से तत्व है। अब देखो अभी कहेंगे आश्रय बंद में कमी, सुनने ध्यान से, और जब सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र प्रकटेंगे तो कहेंगे संवर निर्जरा प्रकट हो गए, क्या कहा क्या कहा, आज बहुत अलग तरह से साफ सुथरी चर्चा है, डायरेक्ट सरल एकदम, और निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हुई, क्षणवर निजरस को पीचेतन प्रकट हुआ, कौन सा तत्व हो गया, सम्मनिजर हो गए, कब हुए जब तुमने सही काम चालू किया, और वो काम कब तक चलेगा, कि अब काम वो अनंत काल तक चलना है, क्या कहा, सही काम कब तक चलना है, नहीं सम्मेशन नहीं भाव तो, और 10 साल हो गए नहीं भाव अभी तक तो, लेकिन तुम काम तो सही चलाते रहो, आप सही पथ करते रहो, सही परहेज करते रहो, सही दवाई खाते रहो, लेकिन होता क्या है, ये ज्यादा कछु नहीं हो रहा, डॉक्टर बदल लो दवाई बदल लो, फिर नई चीज, तुम तो एक लाइन पर चलते रहो, आएगा रिजल्ट, अरे जा पार नहीं तो वा पार, नहीं आई समझ में, बाहर में
जा पार नहीं तो आएगा वो तो, और उपाय कुछ नहीं है, आप देख लो। अच्छा, स्वस्थ रह के कितने साल जियोगे? प्रकाश चाचा जी आगम से ही पूछ रहे हैं अभी। बोलो जिनवाणी क्या कहती है, पंचम काल में जन्मे लोगों की आयु कितनी है? बोलो, आप आगम से ही बात करो। हम तो साहब एकदम हेल्दी है, बढ़िया है, बिल्कुल फिट। कितने दिन जीना है बोलो? बगी साहब आप बता दो, ये सारे से बता दो, ऐसे बता दो समझ जाए 110, ऐसे 120, कितने बता दो? 120 पक्का? तो आधे कर दे, आधे तो हो ही गए होंगे, 10% और बढ़ा दे, 80। बगी साहब 80 कह रहे हैं, मतलब 80 के बाद तो क्या कहना है? तुम चाहे स्वस्थ रहो चाहे बीमार रहो, ये चीज तो होना है। और सुनो, जब ये होना है तो इसके बीच में साता असाता की वजह से जो होना है और जितना होना है वो भी होना है। कितने ही डॉक्टर हो, कितने ही कुछ हो, कितने ही कुछ हो, आप उसको डाल नहीं सकते, कुछ नहीं बदल सकते, कुछ नहीं बदल सकते। उपाय क्या है? हर व्यक्ति को, हर जीव को, कि तुम जीव हो, जीव समझो। और जीव क्या है, जीव कैसा है? इनसे 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 कम से कम तीन से तो रहित है ही, ऐसा देखो और मस्त रहो। उपाय तो एक है, सरल है, सहज है, अपने हाथ में है और आनंददायी है। क्या कहा? एक है, सरल है, सहज है, अपने हाथ में है और आनंददायी है। क्या आनंददायी है बोलो? हम सब कौन है? जीव है। कैसे जीव है? वो जैसी कार थी सुबह की, खाई में चली जाए, टकरा जाए, बम विस्फोट हो जाए, कार कैसी है? सुरक्षित है। जैसी वो कार है ऐसा ही तो मैं हूं। कंडीशन कोई भी हो, एयर कंडीशन में क्या होता है? आप बैठे हो एयर कंडीशन कोच में, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, एयर कंडीशन कोच में क्या होता है? कोई असर नहीं, न बाहर की आवाज आ रही, न धूल आ रही। बोलो क्या आता है एयर कंडीशन कोच में? मेरे ख्याल सब अधिकांश बैठे ही होंगे, इंजीनियर साहब नहीं बैठे? चलो आज बैठल बात है। एयर कंडीशन में क्या होता है? बाहर की कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन अंदर तो ऐसे ही संयोग शरीर कर्म कसाय पर्याय की कंडीशन कुछ भी हो, इस एयर कंडीशन में जीव में कुछ नहीं होता। धर्म सरल है कठिन है? रत्नत्र सरल है कठिन है? सरल है। जीव को जीव जाना, देखो इसमें शब्द लिखा है ज्यो का त्यों सरधानो। इसका अर्थ बोलो, ज्यो का त्यों सरधानो, इसका अर्थ बोलो। अरे जीव अनादि अनंत है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत गुणमयी है, संख्यात प्रदेशी है, परिपूर्ण है, ज्यो का त्यों सरदारो। आम कैसा है? हापुस आम कैसा होता है? बढ़िया मीठा होता है, रसीला होता है, ऐसा मतलब उसकी जो विशेषता है हापुस आम है। अच्छा नीलम आम कैसा होता है? थोड़ा वो कड़क होता है कि नहीं उसमें? अरे हाना तो करो। चुसनी आम कैसा होता है? अरे है कि नहीं, सबकी अपनी अपनी स्वरूप है अपने अपने, तो जो कहते हो सरदानो, ऐसा है। तो भैया सात तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा। कितने तत्व की चर्चा हो गई अभी? मुक्तता से दो की, मुक्तता से कितनी हो गई? दो की बराबर। अजीब तत्व कैसा है? काला गोरा, मोटा पतला होने वाला।
और धर्म अधन आकाश और काल, इनका अपना अपना स्वरूप है, उनको वैसे श्रद्धा नो। क्लियर हुआ? आश्रबंध सुनो, आश्रबंध तत्व कैसे हैं? लिखो, दुख रूप है, आकुलता रूप है, विकल्प रूप है, जहर के समान है, अत्यंत अनिष्टकारी है। क्या कहा? कौन से तत्व की बात चल रही है? आश्रव दुखकार धनेरे, दुख रूप है, आकुलता रूप है, जहर है, जहर। ये जहाँ होते हैं वहाँ पर दुख होता है, परेशानी होती है, कर्म बनते हैं, चार गति में ले जाते हैं। क्या कहा? कौन से तत्व का स्वरूप चल रहा है? है कि नहीं? नकुल सहदेव मुनिराज को भी नहीं छोड़ा, कहाँ ले गए? चलो, समझ में आ गया? आश्रव का स्वरूप दुख रूप है। लिख लो, आश्रव जहाँ होगा, जिसको होगा, जितना होगा उसे वहाँ उतनी मात्रा में दुख होगा। क्या कहा? आश्रव जिसे होगा, जब होगा, जितना होगा, जहाँ होगा उसे उतनी मात्रा में वहाँ पर उतना दुख होगा, होगा और होगा। सीता जी जब अग्नि परीक्षा में पास हो गई, ठीक है, निर्दोष सिद्ध हो गई, तो रामचंद्र जी उनके पास गए, हे सीते घर चलो, महल में चलो। उनने बहुत मनाया, बोलते रहे, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सीता जी तो जंगल में चली गई। नहीं, मैं तो वैराग, ठीक है, अलग अलग रास्ते हो गए दोनों के। अब ये राग कर रहे हैं उनसे, नहीं घर चलो, ये अपने राग से विकल्पों से परेशान और वे अपने वैराग से सुखी। आरिका दीक्षा ले ली। अब उनकी आरिका दीक्षा हो गई और समाधि हो गई, और वो जीव कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग में, इंद्र बन गए, प्रतिंद्र बन गया वो जीव, और सम्यक दृष्टि है, चौथा गुण स्थान है। अब लेकर उन्हें राग का उदय आ गया, ये मुनिराज बन गए, कौन? रामचंद्र जी। अब उनको राग है और इन्हें वैराग है, अब वे आ गए और सीता जी का रूप बनाया। अब वे कितने जा रहे हैं? साथ चलेंगे। अबे रुको, अब ये राग से परेशान है और वो वैराग से, बोलो तो, जिसे राग है, जब राग है, जितना राग है, दुखी है। कौन से तत्व की चर्चा चल रही है? आश्रव और बंध तत्व की चर्चा। समझ में आ रहा है? जैसे आपको मंदिर से बिल्कुल राग नहीं है, पाठशाला से बिल्कुल राग नहीं है, तो बिल्कुल दुख नहीं है, नहीं है ना? इसका नहीं है। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? और आपको अपनी दुकान से राग है तो उसके बारे में, उसका है, बच्चों के बहुओं का है, नहीं है? समझ में आ रहा है? तो जिसका राग होगा, जब राग होगा, जितना राग होगा उससे दुख होगा। राग मतलब दुख, राग मतलब आग, राग मतलब आग। कौन से तत्व का? अब सुनना, ये आश्रव तत्व का ज्योका त्यों श्रद्धान सम्यक दर्शन है। सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इसमें हमने जीव और आश्रव को मिलाया नहीं है अभी। क्या कहा? तुम भी मत मिलाना, गलती मत करना। गलती क्या हो जाती है? मैं ही आश्रव हूँ, मैं ही दुखी हूँ, या तो हमने एक बार भी नहीं बोली। बोलो, बोली? बोली एक बार भी? अपनी गलती क्या है? जेड़ कल सही है भैया, दुखी है, राग से दुखी है,
हमने आधे घंटे ताकत लगाई थी, तुम जीव हो, ज्ञान वाले हो, और अब ये क्या कह रहे हैं? हम रागी हैं और दुखी हैं। ये सत्य है कि दुख है? ये सत्य है कि राग है? लेकिन ये परम सत्य है कि राग और दुख से भिन्न तुम जीव तत्व हो। सात तत्व की चर्चा चल रही है और ज्यों का त्यों श्रद्धानों की चर्चा चल रही है। कुछ समझ में आ रहा है सबको? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? भिन्न है, असत्य से भिन्न है, सूक्ष्मता है, समझना पड़ेगी। आश्रम और बंध एक साथ चर्चा चल रही है, कैसे हैं ये? दुखदायी है। अब हे है कि उपादे हैं? अब सुनना, इसमें नई गलती है, हे समझ रहे हैं उपादे। अच्छा तो विकल्प नहीं करें, तो कसाय नहीं करें, तो राग नहीं करें, तो पुण्य भाव नहीं करें, ये गलती है। अब बच्चे हैं, बहु हैं, नाती पोता हो गए, तो खिलाने तो पड़ेगा हमें, ये बज्जी तो हमें ही ले जाएंगे घर पे। स्वाध्याय भले ही नहीं करेंगे, पहले भी टाइम नहीं था, अब हो गए दो तीन, अब भी टाइम नहीं है। पहले वैसे स्वाध्याय नहीं करते थे, और अब एक फुग्गा झुला रहे, एक झूला झुला रहे, एक कर रहे हैं। तो कौन के बच्चे हैं? दादा दादी कौन बन गए? नाना नानी कौन बन गए? ऐसी खुशी होती है, मैं नानी बन गई, मोक्ष के नाना हो रही है, नानी बन गई, सम्यक दर्शन की, मैं खुश हो रहे गजब। समझ में आ रहा है? आश्रम बन तत्व हे है, कब हे है? सुनो, यदि पहले गुण स्थान में हे नहीं होगा तो चौथा गुण स्थान प्रकट नहीं होगा। और तुम्हें तो अभी क्या दिख रहा है? देखो घर गृहस्थी में तो राग तो होती है। अब ऐसा थोड़ी अपन कुछ बैरागी तो हो नहीं गए और कुछ मुनि तो बन नहीं गए। कहा कौन सा गुणस्थान है तुम्हारा? भाई साहब कोई गुणस्थान की बात नहीं, अभी तो ये बताओ आश्रम बंध तत्व ये है कि उपादेय है? आज की चर्चा अलग तरह से चल रही है। हाँ, ज्यो का त्यों हे तत्व का हे तत्व रूप श्रद्धान सम्यक दर्शन है। क्या कहा? नोट कर लो, पता नहीं कहां से निकल रहे तुम्हारे भाग से। हे तत्व का हे तत्व, अभी वो मिटा नहीं है, मिथ्यात मिटा नहीं है, लेकिन मिथ्यात हे है। हे का हे पने श्रद्धान सम्यक दर्शन है। आनंद आ रहा है? कुछ नींद वींद भगी कि नहीं भगी आज? हमारी तो भग गई। भग गई से मतलब है आज थोड़ा सा अच्छे से और आनंद आ रहा है। इसका सात तत्व, कितने तत्व हो गए? आश्रम बंध तत्व कैसा है? दुख रूप है, जहर है, बंधन है, आकुलता रूप है, और कैसा है? हे है। राग योग्य नहीं है, मिथ्यात करने योग्य नहीं है, पाप पुण्य करने योग्य नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। कौन से गुणस्थान में कौन को उपादे है? बोलो। देखो ज्यों का त्यों श्रद्धान का भाव है ये। कौन से गुणस्थान में कौन को उपादे है? नहीं भैया, अबे तो पत्नी है, बच्चे हैं, जो बीमार है, अबे तो हम नहीं देख रहे करेंगे तो इतो राग तो अवे इतो विकल्प तो करना पड़ेगा। नहीं, विकल्प करने की चीज नहीं है, राग करने की चीज नहीं है। और सुनो, जो हो रहा है वो भी हे है, ऐसा श्रद्धा। क्या कहा? ये अपने ही मंदिर है, अपने ही पूजा पाठ है, अपने ही स्वाध्याय मंदिर है, इतना विकल्प तो अपने को
आना चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए, नहीं भैया जब आप तो हम पहले से ही कह रहे थे आप फालतू करवा रहे हमसे, तुम जैसी कह रहे हो वैसी नहीं है जवाब, जो अलग तरह की है थोड़ी सी, जो अलग तरह की है। ये तो एक राग का अंश भी वो जाति आश्रय बन तत्व की वो बिल्कुल कैसी दिखे, ओ ये है, ये परिणति में रहने लायक नहीं है। क्या कहा, क्या कहा, बोलो आपकी गली में आप कितनी गंदगी चाहते हो, कितनी धूल चाहते हो, अरे घर की बात नहीं कर रहे, गली की भैया, अच्छा मोहल्ले में कितनी चाहते हो। देखो भले ही मोहल्ले से मतलब नहीं है, लेकिन रिश्तेदार आए या हम कह सके हमारे मोहल्ले में, हमारा मोहल्ला अनंत विहार किस चौड़ी सड़के हैं, अब तो डम्बर भी उन पे पुत गया, मतलब ऐसी चौड़ी और बढ़िया, वो घूमते हैं तो सड़कें हो तो अनंत विहार जैसी, मोहल्ला हो तो ऐसे भैया। चार साल पहले तक तो न वहां पे सड़कें थी, न लाइट थी, कुछ नहीं था, लावारिस कॉलोनी थी। वो तो विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह ने कर दी सरकारी, वो नगर पालिका में अनंत विहार। चार साल तक कैसी स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी कुछ नहीं था। बात ये नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि कितनी गंदगी पसंद करते हैं। ऐसे लिख लो, परिणति में किंचित भी आश्रय बंध हमें पसंद नहीं है, इसका नाम है हे का हे रूप श्रद्धान। सम्यक दर्शन है ये, व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। अच्छा, तीर्थंकर परमात्मा का राग, सिद्ध परमेष्टि की भक्ति का राग विकल्प, बोलो उपाधेय है कि नहीं है, कितने परसेंट है? बोलो कौन से गुणस्थान में, किंचित मात्र उपाधेय नहीं है, नहीं अपने बच्चे हैं, जब तक अपन ने इनकी शादी नहीं की, इन्हें ठिकाने नहीं लगाया, मतलब ठिकाने मतलब थोड़ा शब्दों पे पकड़ना, मतलब एक पेपर में छपवा दो इंटरव्यू होने लगे, मतलब इनके हाथ पीले हो जाए, लाल हो जाए, जो कुछ भी ये सब, तब तक भैया राग तो विकल्प तो करना पड़ेंगे हमें, नहीं विकल्प होना अलग है, लेकिन विकल्प करना पड़ेगा, होना चाहिए, ये तुझे आश्रय बंद उपाधि है। अलग अलग दृष्टांत भाववासन हो रहा होगा, हे पने का, हे पने का। आदरणीय छोटे दादाजी ऐसा कहते हैं, एक व्यक्ति को खांसी चलने लगी, सर्दियों के दिन थे, घर में बहुएं बेटियां हैं, तो उनने कहा भैया खांसी चल रही है दिखा लो। अरे पहले हम जाते थे तो बनावट की खांसी खांसना पड़ती थी, बहुएं बेटी सावधान हो गई, घूंघट घूंघट कर ले, अब तो असली है, जब असली है तो नकली की क्या जरूरत है। तो डॉक्टर साहब बोले नकली कर लियो, ये टीवी बन जाएगी, अरे सुन लो नकली विकल्प राग कर लियो, मम्मी का, पापा का, घर का, मंदिर का, लेकिन असली तो ये दिखे। मेरे ख्याल से भाव वासन हो रहा होगा अब तो सबको, नकली जय जनन कर लियो, अब काम को असली कर रहे हो। असली जय जनन तो तवई होती है जब ये भेद विज्ञान होता है।
नहीं तो जय जिनेन्द्र नहीं चल रही। पैसा जिनेन्द्र, पत्नी जिनेन्द्र, राजनीति जिनेन्द्र, कसाई जिनेन्द्र चल रही है। समझ में आ रहा है? गड़बड़ है मामला। आश्रमण तत्व क्लियर हुआ आज? हुआ। आश्रमण तत्व कैसा है? मिथ्यात्व, अवृति, प्रमाद, कसाय, कोई सा परिणाम हो कोई से गुण स्थान में, किंचित भी कभी भी किसी भी जीव को पादे नहीं है, ऐसे श्रद्धान का नाम है सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन, आश्रम का आश्रम पने श्रद्धान। श्रद्धान उसमें ज्ञान तो गर्भित, ज्ञान स्वरूप निर्णय कर रहा है। और हे पने का नाम लिख लो चारित्र। हे का हे रूप श्रद्धान सम्यक दर्शन, हे का हे रूप ज्ञान सम्यक ज्ञान, और हे भास रहा है, ये उपाधे नहीं है, उसका रस ढीला पड़ गया। सम्यक चारित्र कौन से गुण स्थान में, कौन से तत्व के बारे में? आश्रवण तत्व के बारे में। विश्वास है चार तत्वों के बारे में व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया होगा, निश्चय तो होगा, तो दो तीन दिन में ये निरूपण की समझाने की सहेली है, चर्चा है ना, ज्ञान में आती वो एक रूपता से एक बार में ये सारी ज्ञान आनंद करता है। समझने समझाने में क्रम निरूपण में व्यवस्था है, बाकी तो स्वरूप समझ के ज्ञान प्रसन्न होता है, तो निश्चय व्यवहार वो एक साथ प्रकट होते हैं। ये तो विधि का विधान है समझाने समझने का, उपाय तो कोई दूसरा है नहीं है। पहली शक्ति का नाम क्या है? अब पहली दूसरी कोई सी नहीं है, लेकिन समझाने में तो लिखने में तो वो आता है, ऐसे ये व्यवस्था है। पहले निश्चय लिख दिया, फिर व्यवहार लिख रहे हैं, सब समझना है, और समझ पूर्वक ज्ञान आनंद करता है, और एक साथ सब प्रकट होते। निज निधि निज में बताई